What's up class 11? Welcome back to the channel. चलिए आज बात करते हैं remaining adjustments की. Financial statements with adjustments हम लोग कर लेते थे और इसका first part मैंने upload कर दिया था. अगर आपने वो नहीं देखा है तो link description में मिलेगा, जाके देख लीजिए, क्योंकि वो adjustments भी बहुत important है और आज की adjustments भी equally important है. This is part 2 of the chapter. बहुत ध्यान से समझिएगा और chapter को करने की कोशिश कीजिएगा. सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके कोर्स के रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड मिलेंगी और आप हमारे अकॉर्डिंगली काम कर पाएंगे. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहला एडजस्टमेंट जो आज बात करेंगे वो है एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक. आपके स्टॉक को कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, आपके स्टॉक में लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है. गाइस, उसको परचेजेस में से लेस कर दो, क्योंकि वो जो स्टॉक है वो अब आपके पास यूजफुल ही नहीं है, आपके पास यूज नहीं होगा. परचेजेस में से लेस करो, साथ साथ सारे के सारे लॉसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाते हैं. तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा दो लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट के नाम से. ये हमारे पास इसका ट्रीटमेंट हो जाता है. इसके बाद आता है नंबर 2, चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. आपने गुड्स को चैरिटी की फॉर्म में किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया या किसी गरीब को दान कर दिए कुछ गुड्स, उसको हम लोग बोलते हैं चैरिटी. सिमिलर ट्रीटमेंट परचेजेस में से माइनस कर दो, क्योंकि वो अब आपके पास यूज नहीं होंगे. सेकेंड थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दो, क्योंकि अगर हम वो चैरिटी ना करते तो फिर हमें उसका पैसा मिलता. अब पैसा नहीं मिलेगा, फ्री में गुड्स देने पड़े, तो अल्टीमेटली बिजनेस को तो लॉस हुआ ना यार. सारे लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं. अब सर, कई बुक्स में ये ही चीज परचेज में से माइनस ना करके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई है, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो. आप अगर परचेज में से माइनस नहीं करना चाहते तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी शो कर सकते हो. थर्ड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. समटाइम्स फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज या अपने गुड्स को मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए कुछ कंपनीज अपने गुड्स को एज फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करती है. उस केस में भी आप इसको परचेजेस में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देंगे एडवर्टीजमेंट्स के नाम से. क्योंकि जब भी हम लोग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज फ्री सैंपल्स, तो वट इज द बेसिक पर्पज बिहाइंड दैट? इट इज एडवर्टीजमेंट ओनली. कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एज फ्री सैंपल्स ओनली बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट, दे जस्ट वॉन्ट पीपल टू नो अबाउट देयर प्रोडक्ट, दे जस्ट वॉन्ट टू पब्लिसाइज और दे जस्ट वॉन्ट टू मेक देयर प्रोडक्ट नोन टू द जनरल पब्लिक. देन नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग्स इन गुड्स. ड्रॉइंग्स इन गुड्स का क्या मतलब है सर? कि समटाइम्स प्रोप्राइटर विड्रू कैश, समटाइम्स प्रोप्राइटर विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल पर्पज. तो अगर प्रोप्राइटर विड्रू कर रहा है सामान, गुड्स जो वो सेल करता है, वो अपने पर्पज के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए, उस सिचुएशन में आप इसमें भी परचेजेस में से माइनस करेंगे एंड कैपिटल में से लेस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ड्रॉइंग जब भी होता है वो कैपिटल को कम करता है. देन मूविंग फॉरवर्ड, गुड्स सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. आपने गुड्स सेल कर दिए बट आपने उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करी, आपने उसकी एंट्री पास नहीं करी. तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, जितने भी गुड्स सेल करे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमेशा सेलिंग प्राइस से होगा. गाइज, ऑलवेज रिमेंबर कि ये वाली एंट्री हमेशा सेलिंग प्राइस से होगी. समटाइम्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी, तो आप किससे करेंगे? सेलिंग प्राइस. बेच दिए, रिकॉर्ड नहीं करा, तो सेल्स में ऐड कर दो, सेकंड डेटर्स में ऐड कर दो, एसेट साइड में. नेक्स्ट वन इज गुड्स परचेज्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. गुड्स आपने खरीदे बट रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब क्या करोगे? परचेजेस में ऐड कर दोगे एंड क्रेडिटर में ऐड कर दोगे. नेक्स्ट, मैनेजर्स कमीशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स. मैनेजर्स कमीशन को क्या करते हैं? सबसे पहले ये समझ लो, मैनेजर्स कमीशन क्वेश्चन में दो तरीके से पूछी जा सकती है. एक होती है बिफोर चार्जिंग और एक होती है आफ्टर चार्जिंग. मतलब कि इसका जो एडजस्टमेंट आएगा वो क्वेश्चन में दो तरीके से आ सकता है. एक तरीके से तो ऐसे आएगा एडजस्टमेंट में कि प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बस इतना क्वेश्चन ने बोला. उस सिचुएशन में वो मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन कंसिडर करी जाएगी, ध्यान रखना. दूसरा सिचुएशन क्या आता है, प्रोवाइड 10% मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. अगर आफ्टर चार्जिंग आ गया
तो ध्यान रखना, जैसे कि 10% ले रहा हूं तो बिफोर में तो नॉर्मली निकलता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख का प्रॉफिट है तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10/100 दैट इज 10%। बट अगर आफ्टर चार्जिंग आया तो जितना भी परसेंट है वो आपने डिनोमिनेटर में ऐड करना है। जैसे क्या करोगे इस सिचुएशन में, 1 लाख अगर 10% है तो मल्टीप्लाइड बाय 10/110। सपोज ये 5% होता तो हम लोग करते 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5/105। सपोज ये 20% होता तो हम करते 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20/120। मतलब जितना भी परसेंट आपने मैनेजर कमीशन निकालना है वो प्रॉफिट को 20/120, मतलब जितना भी परसेंट है उसको डिनोमिनेटर में ऐड करते जाओ। आई होप आपको क्लियर होगा। अब सर इसको शो कहां करेंगे? शो करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और सेकेंडली लायबिलिटी साइड में शो कर दो आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन के नाम से। अब सर इसका ट्रीटमेंट, इसका क्वेश्चन एक करके दिखा दो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन होता है। पहले आपने नोट कर लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, नेक्स्ट 2 वीडियोस जो आएंगे वो क्वेश्चंस के ऊपर ही आएंगे, उससे आपको क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सर ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपकी 4 जगह एडजस्ट होगी। सारी एडजस्टमेंट्स अभी तक 2-2 जगह एडजस्ट हो रही थी, ये एडजस्टमेंट 4 जगह एडजस्ट होगी। गाइस ध्यान रखिए इस एडजस्टमेंट को, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि मैं किसी अपने फ्रेंड की शॉप पे गया और कुछ सामान लेके आया, बट मेरे को ये डाउट हो रहा है कि यार इसको लूं या ना लूं, लूं या ना लूं। उसने कहा कोई बात नहीं यार, आप ले जाओ, आप 3 दिन बाद मुझे बता देना या 2 दिन बाद मुझे बता देना कि आपने रखना है या नहीं रखना है। अब उन 2 दिन के बीच में उसका क्लोजिंग आ गया, क्लोजिंग ईयर आ गया, लेकिन जैसे ही उसने मुझे सामान दिया उसने सेल की एंट्री कर ली होती है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड तो करना ही है ना, मैं सामान लेके आया वो रिकॉर्ड तो करेगा, तो उसने सेल के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। अब 31 मार्च आ गया, क्लोजिंग आ गया और मैंने कोई भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इस सिचुएशन में हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारी सेल नहीं है। तो जो भी आपने सेल की एंट्री करी है उसको जस्ट रिवर्स करना होता है। तो सिचुएशन में आपने क्या करना है, सेल में से माइनस कर दो सेलिंग प्राइस से, दूसरा डेटर में से भी माइनस कर दो सेलिंग प्राइस से। क्योंकि अगर उसने क्या करा, सेल की एंट्री करी होगी तो एंट्री करी होगी डेटर डेबिट टू सेल, डेटर डेबिट टू सेल अगर एंट्री करी तो उसने 2 चीजें बढ़ाई, अपनी डेटर भी बढ़ाई और सेल भी बढ़ाई। हम कह रहे हैं हमने उसको सेल अब नहीं मानना, तो हमने सेल भी कम कर दी, डेटर भी कम कर दिया, ध्यान रखिएगा सेलिंग प्राइस के साथ। अब सर तीसरी चीज, आप कहते हैं कि 4 जगह आएगा, तो थर्ड थिंग इज अगर आपने उसको रिवर्स इफेक्ट दिया है तो आपके पास वो सामान वापस भी तो आया है, उस सामान को आपने कहाँ शो करना है, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दीजिए कॉस्ट प्राइस के साथ। अब क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है, आपकी बैलेंस शीट में भी, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी, तो इसको बैलेंस शीट में भी ऐड कीजिए, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी ऐड कर दीजिए। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के बचे हुए 8 एडजस्टमेंट्स। एक बैड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यानी कि इस चैप्टर का पार्ट 3 जो आपके पास कल आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से इनको समझिए, बहुत अच्छे से कीजिए, आपके एग्जामिनेशन बहुत पास है मुझे पता है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जल्दी से जल्दी बहुत सारी वीडियोस लेकर आए। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं आपको न्यू वीडियोस के साथ।